नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद ही आसान और सुंदर डिज़ाइन लाए हूँ, जिसे आप किसी भी बेबीज़ प्रोजेक्ट में या फिर गर्ल्स प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में आप सभी फंदे उल्टे बना लें। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे डिज़ाइन का लाइन नहीं है, बल्कि ये बेस लाइन है। पहली लाइन में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बना लिए। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। तो अब हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और रॉन्ग साइड, अब हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, फिर अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, 3 फंदा उल्टा, फिर अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो 3 फंदा हमें सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुनना है, चौथे फंदे को स्लिप करना है, 3 फंदा उल्टा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है। तो इन्हीं चारों फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और सामने से। तो हम सेकेंडरी कलर वाले 3 फंदे सीधा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। 3 फंदे सीधा बुने हुए 3 फंदे सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। 3 फंदा सीधा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं चारों फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन का तीसरा लाइन और रॉन्ग साइड। तो तीसरे लाइन में हम अपने पहले लाइन को ही दोहराएंगे। पहला फंदा उल्टा, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा और चौथे फंदे को स्लिप करना है, 3 फंदा उल्टा और चौथे फंदे को स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। तो तीसरी लाइन में हम अपना पहला लाइन ही दोहराएंगे। डिज़ाइन का चौथा लाइन और सामने से। तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे को भी और स्लिप किए हुए फंदे को भी, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो चौथे लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो अपने प्राइमरी कलर के ऊन से हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा,
और चौथे फंदे को स्लिप करना है। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा तीन बुने हुए फंदों के बीच का फंदा है। ये हमने देखिए तीन फंदे जो बुने गए थे उसके बीच का फंदा हमें स्लिप करना है और तीन फंदा हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए ये जो हमने फंदा स्लिप किया था तो उस फंदे को और उसके दोनों साइड वाले फंदे को लेकर तीन फंदे को हमें उल्टा बुनना है। और ये देखिए चौथा फंदा ये तीन फंदों में का बीच का फंदा है। फिर अगले तीन फंदे स्लिप किया हुआ फंदा और दोनों साइड का फंदा इन तीन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और ये तीन फंदों में का बीच का फंदा है, दूसरा फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो फिर हम अपने तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदे को उल्टा और चौथे फंदे को स्लिप कर। तो इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये डिजाइन का छठा लाइन है और सामने से, तो बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे। अब बुने हुए तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुने हुए तीन फंदे सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। तो तीन फंदों को सीधा बुनते हुए स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और रॉन्ग साइड। तो सातवें लाइन में हम अपना पांचवा लाइन ही दोहराएंगे, यानी तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे, प्राइमरी कलर के उनसे ही तीन फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगले तीन फंदे उल्टा और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। आठवीं लाइन और सामने से। आठवीं लाइन में हम अपना आठवीं लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदों को भी और स्लिप किए हुए फंदे को भी, सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है। अब नाइन्थ रो और रॉन्ग साइड। नाइन्थ रो में हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करना है। यानी नाइन्थ रो में हम अपना फर्स्ट रो को दोहराएंगे। आठवीं लाइन का ये डिजाइन है और इन्हीं आठ लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बेहद खूबसूरत है और बहुत आसान। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।